तू क्यों चीखा? ए चीखा तो तू है, मैं तो हंस रहा था। नहीं तू चीखा, मैं हंस रहा था। नहीं तू चीखा, तू चीखा। नहीं तू 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 तू। मान लेते हम दोनों हंस रहे थे, फिर चीखा कौन था? मान लिया हम दोनों ही चीख रहे थे। हाँ। तू हंस रहा क्यों था? पहले तू बता। पहले तू बता। पहले तू बता। पहले तू बता। तू ठीक है झगड़ा मत कर, पहले मैं ही बताता हूँ। ए हट, पहले मैं बताऊंगा। नहीं पहले मैं। सुन, झगड़ते नहीं है, हम दोनों ही मान लेते, दोनों ही हंस रहे थे। हाँ ये ठीक है, लेकिन खाली। हाँ बोली, सुना है यहाँ आने वाले हैं बहुत सारे महाबली। फिर खाली क्यों दिख रहे हैं हमारी गली? अरे मूर्ख, गली से कभी नहीं आते महाबली। फिर तो हमेशा पकड़ते हैं पतली गली।
हो काकोदर, किलविश की सभा में आपको असली रूप में जाना होगा। मुझे बिल्कुल कॉमिक्सों की दुनिया लग रही है। अगर मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा उन्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ से जाऊंगा कैसे? अगर गीता दीदी को पता चल गया तो मेरे दोस्त मेरी कितनी चिंता कर रहे होंगे। बच्चे हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारा खून पिएंगे, क्योंकि तुम्हारा खून बहुत स्वादिष्ट होगा। तुम्हारा मांस भी पका के खाएंगे। चलो चलो चलो, चलो। बच्चू जिंदगी के कुछ घंटे और जी लो, फिर हम तुम्हारा भोजन करेंगे। चल खली, आज अच्छा भोजन मिला है। प्लीज मेरे से निकालो, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज यहाँ से निकालो ना, प्लीज यहाँ से निकालो, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ। स्वादिष्ट भोजन, हम आते हैं थोड़ी देर में, फिर हम तुम्हारा भोजन करेंगे। बहुत दिनों के बाद इतना स्वादिष्ट भोजन मिला। चल खली, शैतान शक्तिमान क्यों नहीं आता? मुझे लेने इन शैतानों की खबर लेने। अपू, अपू तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो अपू? अपू, अपू। आखिर वो कौन सी जगह है जहां मेरी मानसिक तरंगे नहीं पहुंच पा रही? तभी कायम रहेगा तुम्हारा वजूद भी। बैठ जाओ, तुम सबको दिलविश ने जिंदगी दी, ताकत दी, ओहदा दिया, दौलत दी, आखिर किस लिए कोई बताएगा? बेशक, मगर लगता है कमजोर होने लगे हैं किलविश के नुमाइंदे। माफ करें तमराज किलविश, मगर हम पूरे दिल से आपके साथ हैं।
हमारी जिंदगी के मालिक आप हैं। हम आपके लिए अपनी जान तक देने को तैयार हैं। जरूर, वक्त आ पहुंचा है जान देने का, क्योंकि इस वक्त खतरे में है अंधेरा। आखिर किससे है खतरा अंधेरे को? हम उस खतरे के लिए खतरा बन जाएंगे। आप हमें बताइए कमरा। यही है वो शख्स जिसने मात दी है हमारे कई नुमाइंदों को। एक आध लोगों के मात खा जाने से अंधेरा खतरे में आ जाएगा, ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए महामहिम। आप और लोगों को मौका देकर देखिए। सम्राट किलवेश, ये ओहदा जो आपने जे जे के रूप में काकोदर को दिया है, एक बार किसी और को देखकर देखिए। आपके जाबाज नुमाइंदों की बाहों में अभी इतनी ताकत है, एक तो क्या हजारों शक्तिमान भी क्यों ना हो, हम उन्हें चींटी की तरह मचल सकते हैं। किलविश मौका सबको देता है, जो भी शक्तिमान को मारेगा वही काकोदर के ओहदे का हकदार होगा। अरे, तो शक्तिमान के खिलाफ शर्त है। लेकिन इम्तिहान बहुत कठिन है और वक्त बहुत कम। तो फिर आने वाला युग हमारा होगा, कहीं नहीं होगा रोशनी का नाम और निशान भी। तमराज किलविश, तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। किसकी जरूरत है ये? तुम? हाँ तमराज किलविश, मैं उसी सूर्यवंशी का एक बेटा जिससे 6000 वर्षों से युद्ध करते आ रहे हो तुम। युद्ध? युद्ध तो बराबर वालों के साथ होता है, जबकि तुम सूर्यवंशी तो युद्ध से भागे हुए भगोड़े सैनिक हो, 6000 सालों से बचते फिर रहे हो सम्राट किलविश के कहर से। मैं तुम्हें सतर्क करने आया हूँ, तुम्हारा अंत बहुत निकट है। शरण में आए हो तो स्वागत है तुम्हारा। शरण में नहीं, तुम्हें सतर्क करने आया हूँ, तुम्हारा अंत बहुत निकट है। नष्ट होने वाला है तुम्हारा ये साम्राज्य। ऐसा तो 6000 सालों से कहते आ रहे हो तुम लोग, मगर क्या बिगड़ा किलविश का? हर रोज शक्तिशाली होता जा रहा है किलविश। तुमने कितने ही साधु संतों को दुनिया में भेजा, क्या हुआ? वे आए और चले गए, मगर किलविश आज भी है। दुनिया के हर इंसान में पाप पैदा कर दिया है मैंने। आज हर इंसान लोभी है, स्वार्थी है, और जब तक ये सब रहेगा किलविश का अंत नहीं हो सकता। इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जिसका अंत नहीं है। माना कि तुम हर मनुष्य के मन मस्तिष्क पर छा गए हो, परंतु रात हमेशा के लिए नहीं रहती। 6000 वर्ष लंबी इस रात के बाद हम सूर्यवंशियों को एक ऐसा सूरज मिल गया है जो हमारे लिए एक नया दिन लेकर आएगा, जिसका उद्देश्य है केवल तुम्हारा अंत, केवल तुम्हारा अंत। तमराज, किसकी बात कर रहे हो तुम? उसकी ही, जिसका डर आज तुम्हें सता रहा है, जिसके लिए तुम सब यहां इकट्ठा होकर रणनीति बना रहे हो। शक्तिमान तमराज किलविश, शक्तिमान जिसका जन्म सिर्फ तुम्हारे अंत के लिए हुआ है, अब प्रबंध करो अपनी मृत्यु का।
आज मौत ही गुलाम हो चुकी है किलविश की। वो मुझ तक क्या पहुंचेगी? हाँ, किलविश तुम्हें जरूर मौत देगा। इतना घमंड अच्छा नहीं तमराज किलविश, ये केवल मेरी आकृति है। अपने इन प्रहारों को सुरक्षित रखो। शक्तिमान से होने वाले युद्ध में तुम्हें इनकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी। शक्तिमान, किलविश को जल्द से जल्द शक्तिमान की मौत चाहिए, वरना ये मौत तुम सब की भी हो सकती है। क्यों मैं उस तक नहीं पहुंच पा रहा हूं? क्यों? लगता है अब्बू बहुत बड़े संकट में फंस गया है। मुझे स्वयं ही जाकर उसे ढूंढना होगा, स्वयं ही जाकर ढूंढना होगा।